हुकूमत का 1 रुपया 88 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने का फैसला। बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजिर बिरादरी मायूसी का शिकार हो गई। बिजली मजीद महंगी की जा रही है, ऐसा कहना है सीनियर नायब चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान का, जबकि उनका मजीद ये कहना है कि हुकूमत बिजली मजीद महंगी करके जीना दो भर कर रही है। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले, ताजरों का मुतालबा सामने आया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल कहिएगा, ताजर बिरादरी मायूस है, क्या कहना है ताजरों का? हुकूमत की जानिब से बिजली की महंगी कीमतों की सूरत में एक दफ़ा फिर जो आवाम है उसके ऊपर बोझ डालने के लिए तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 रुपया 88 पैसे जो बिजली है वो दोबारा से महंगी हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताजर और चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम। एक दफ़ा फिर से 1 रुपया 88 पैसे बिजली महंगी की मंजूरी हो चुकी है, क्या कहती? मैं तो यही कहूंगा जो इमरान खान साहब दावे करते थे आज से 3 साल पहले 4 साल पहले कि हम इस मुल्क में ये करेंगे वो करेंगे, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और इस मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं कि आप ये देख लें इस वक्त हम जो खड़े हैं यहाँ पर लाइट नहीं है और ये लाइट 24 घंटे में 8 घंटे लाइट जाती है और 16 घंटे लाइट आती है और फिर लाइट का रेट इतना बढ़ा रहे हैं, 1 रुपया 88 पैसे बढ़ा रहे हैं ये, और उस पर अभी टैक्स और लगेंगे, जितना बिल होता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स भी लगता है जितना ज़्यादा बिल आएगा। तो मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि ये इतनी महंगाई ना करें। फिर ये लोग बिजली चोरी करते इसलिए हैं कि यहाँ पर बिजली के बिल भरने के लिए लोगों पर पैसे नहीं होते। और भी ताजर मौजूद हैं, उनसे आप बात करते हैं। मुझे आप बताइएगा, बिजली फिर से महंगी हो रही है, कितना मुश्किल होगा आपके लिए इसके बाद जो दोबारा से बिजली महंगी हो जाएगी अफोर्ड करना? मुश्किल तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कुछ जब से हुकूमत आई है सेल्स टैक्स उस चक्कर ने मारा, अब वो बिजली महंगाई कोई भी चीज़ है वो मिल ही नहीं रही है, पैसे लेके जा रहे हैं तो चीज़ मिलती नहीं है, तो अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है, तो हम इसमें बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, बहुत परेशान हैं। बिजली पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है जो अफोर्ड नहीं की जा सकती और अब मजीद जो है वो बिजली महंगी हो रही है, जिसकी वजह से अब ये मुतालबा कि बिजली महंगी करने के बजाय ताजरों का मुतालबा है बिजली की कीमतें कम करें। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताते हैं कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का दरसी कुतुब बारे बड़ा फैसला, बड़े प्राइवेट स्कूल्स की गैर मियारी गलत मालूमात की 100 किताबों पर पाबंदी, कायद आजम और अलामा इकबाल की तारीख पैदाइश गलत लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। किताबों में आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे पर जाहिर करने की संगीन गलतियां की गई हैं। तो आपको बता रहे हैं पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का दरसी कुतुब बारे बड़ा फैसला सामने आया है। खबर यह है कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का तदरीसी कुतुब बारे बड़ा फैसला, बड़े प्राइवेट स्कूल्स की गैर मियारी गलत मालूमात की 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई। कायद आजम और अलामा इकबाल की तारीख पैदाइश गलत लिखने पर पाबंदी आयद की गई। किताबों में आजाद कश्मीर को इंडिया के नक्शे पर जाहिर करने की संगीन गलतियां की गई हैं। लसा के हवाले से जिलाई अमन कमेटी का इजलास हुआ, इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने की। इजलास में कोरोना एसओपी, अमन अमान और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में एसएसपी ऑपरेशंस एसीस ने शिरकत की। हुकूमत ईद पर एसओपीस पर अमल दरामद की ख्वाह है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आलाइश उठाने के लिए डब्ल्यूएमसी ने इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। शहर में 300 वेस्ट बिन नस्ब की जाएंगी, 525 हैंडकार्ड्स वर्कर्स को दी जा रही हैं। जबकि नमाज ईद के लिए इबादतगाहों के बाहर सफाई के इंतजामात होंगे, ऐसा कहना है डीसी का। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में ईद उल अज़हा के हवाले से ज़िला अमन कमेटी का इजलास हुआ, इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने की। इजलास में कोरोना एसओपीज, अमनो अमान और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में एसएसपी ऑपरेशंस एसीज ने शिरकत की। हुकूमत ईद पर एसओपीज पर अमल दरामद की ख्वाह है, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। आपको बताएं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर की सरबराही में ईद उल अज़हा के हवाले से इजलास हुआ। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं, एहसान जमाली का ऐसा कहना है, जबकि नमाज ईद के अदायगी वाली जगहों पर सफाई के शानदार इंतजाम होंगे। नमाज ईद से कबल जरासीम को स्प्रे किया जाएगा।
कमिश्नर एहसान जमाली का मजीद ये कहना था कि जानवरों की आलाइशों को तल्फ करने के लिए मौसर इकदामात किए जाएंगे, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रही हैं बहावलपुर से, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर की सरबराही में ईद उल अजहा के हवाले से अहम इजलास हुआ। रहीमिया खान से, सिंध और बलोचिस्तान के सूबों में आटा फराहमी का मसला, रहीमिया खान की फ्लोर मिल्स के 50 आटे के ट्रक जकबाबाद रोक लिए गए हैं। रहीमिया खान की फ्लोर मिल्स से आटा बलोचिस्तान जा रहा था, हुकूमत ने पाकिस्तान में आटा फराहमी की इजाजत दे रखी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। सुबाई आटे की तरसील की इजाजत के बावजूद इजाजत नहीं भी दी जा रही, गाड़ियां अगर दूसरे सूबे में भिजवाई जा रही हैं रहीमिया खान से फ्लोर्स मिल की जानब से, तो उनको दूसरे सूबों के अजला में उनको पकड़ा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन उस्मान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, क्या तहफ़ुज़ात हैं कि आप लोगों को आटा दूसरे सूबों सिंध और बलोचिस्तान जाने नहीं दिया जा रहा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आपने कहा कि सूबाई पाबंदी नहीं होने के बावजूद भी हमें पाबंदी लगाई गई है हम पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी गाड़ियां दो दिन पहले यहां से लोड होंगी, तीन दिन पहले, उससे पहले भी पाबंदी नहीं थी और ना ही आज तक कोई पाबंदी है। ये नेशनल हाईवे है, ये सबका हक है इसके ऊपर, तो हमारा माल यहाँ से सिंध भी आता है, बलोचिस्तान भी आता है, जो कि आटा भेजने की कोई पाबंदी नहीं है। हमारी प्राइवेट वीट का माल होता है, इसमें सरकारी कोटा शामिल नहीं होता, मैं आपको क्लियर करता चाहूँ। तो डीसी जैकबाबाद ने परसों अपने मर्जी मन मर्जी के ऑर्डर्स करके वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ तकरीबन 60-70 गाड़ी इस टाइम वहाँ पे मौजूद है और हमारे ड्राइवर जो हैं वो तंग हो रहे हैं वहाँ पे, और हमारा करोड़ों रुपए का माल इस टाइम रोड के ऊपर लावारिस खड़ा हुआ है। तो मेरी अपील है वज़ीरे आला सिंध से और डीसी जैकबाबाद से कि ये जो हमारी गाड़ियाँ आपने पकड़ी हुई हैं इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जो कि कोई बिल्कुल लीगल है और हमारी किसी किस्म की भी कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है सिंध में भेजने पर या बलोचिस्तान में भेजने पर गंदम आटा, सॉरी। तो दूसरी, अगर ये हमारी उन्होंने बात ना मानी तो हमारी एसोसिएशन लेवल पे हम जाके इसको पाकिस्तान लेवल पे हाईलाइट करेंगे और जाके हम नेशनल हाईवे भी ब्लॉक कर सकते हैं। देखो, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया जा सकता है क्योंकि रहीमिया खान वो वाहिद जिला है जो तीन सूबों के संगम पर वाक़ है, यहीं से आटे की तरसील सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों को जाती है और रहीमिया खान में तकरीबन 65 फ्लोर्स मिल मौजूद हैं जो अपने आटे की तरसील इन सूबों में की जाती है। अब भी इनके आटे के जो ट्रक हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे उनको आगे दूसरे जिले में जाने नहीं दिया जा रहा, और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि अगर आटे की फराहमी का मसला बदस्तूर कायम है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे तौंसा शरीफ का, जहां देवरों का खातून पर तशद्दुद और हक महर का मामला रोही पर खबर चलते ही असिस्टेंट कमिश्नर का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना ने खातून को उसका हक दिलवा दिया, मुश्तरका घर में खातून के घर के हिस्से के रेट लगाए जाएंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे अजमत बुजार से। अजमत, कहेगा मुतासर खातून का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं झोक भुट्टा में परवीन बीबी के घर में मौजूद हूं, जहां पे इस घर का तनाजा था, देवरू और परवीन बीबी का झगड़ा था। उस झगड़े का की खबर अब से कुछ ही देर पहले रोही पर भी चली थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा ने फौरी नोटिस लिया, मोहम्मद यूसुफ छीना साहब यहां पे है और इनके दरमियान मुजाकरात कराए, जिसके नतीजे में उसका फैसला हुआ है। क्या फैसला हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जानते हैं। सर, क्या फैसला किया है इसमें? जी बिल्कुल, ये फीमेल के बारे में रिपोर्ट हो रही थी कि ये बेचारी रोड के ऊपर बैठी है और इसके कोई फैमिली इश्यूज हैं, तो उसको कट डाउन करने के लिए ताकि वो अपने घर में जाए और अपने बच्चों के साथ सुकून से रहे, तो उसके लिए इनके घर में हम आए हैं। उनके जो देवर हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मीडिया वाले लोग हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया, बाकी दो तरफ से मीडिया के दोस्त आए। आप सब ने मुआशरे के अमन के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और मैं इनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने पॉजिटिवली इस मैटर को देखा है कि घर का मामला है, एक इज्जत का मामला है, तो इसको घर में ही हल किया जाए। तो इस पर उन्होंने जो हमने उनको एग्रीमेंट दिया है, जो हमने फैसला किया, उस पर वो एग्री हुए हैं कि जी हम इसको कंपनसेट करते हैं, उस फीमेल की रहायश का बंदोबस्त हम करके देते हैं, उसको पेमेंट कर देंगे ताकि वो जहाँ भी ईजी होकर रहना चाहे वो भी रह लेगी, और जो बाकी इनके फैमिली मेम्बर्स है वो कहते हैं इससे हम भी खुश हैं और फीमेल भी खुश है। तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि हमारे मीडिया के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इसमें पुलिस ने बड़ा रोल प्ले किया है, SHO साहब मेरे साथ आए हैं, हमने सारे मामले को क्लीनली ऑब्जर्व किया है। तो ऐसे मामलात को अगर आप जैसे भाई और सारे लोग मिल के पॉजिटिवली देखते रहेंगे, पॉजिटिव टसल की बजाय पॉजिटिवली अगर हम रोल प्ले करते रहेंगे,
तो ऐसे कई घर हम इंशाल्लाह बसा सकेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे कई घर हम बसा सकते हैं इस खातून को। एसी तौंसा ने खातून को इसका हक दिलवाया है। अजमत बुजार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मिंचनाबाद से आपको बताएंगे, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, अंधे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। ब्यूटी पार्लर की मालकन जमीला बीबी को चंद रोज कबल कत्ल किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही शेख गुलाम मुस्तफा नदीम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल मिंचनाबाद में होने वाले अंधे कत्ल को पुलिस ने इंतहाई जाफशानी से और बड़ी महारत से उसको ट्रेस कर रहे और उसके कातल को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ इस वक्त मिंचनाबाद के SDPO सैयद अली रजा शाह काजमी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बहुत जल्द जो एक अंधा कत्ल साहब बेदर्दी से अफसोसनाक ये वाक़ पेश आया, इसको कैसे गिरफ्तार किया गया कातल को? जी सर बताइएगा, आपने बड़ी जल्दी ये कातल गिरफ्तार किया, माशाल्लाह आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, ये बताइएगा इसको कैसे पकड़ा? जी बहुत शुक्रिया जी, ये अल्लाह का करम था जो इतनी जल्दी ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ। मोहम्मद अशरफ नामी आदमी था जिसका इस जमीला खातून के साथ तलक नाजायज था और ये ब्लैक मेलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था, इस वजह से फिर उसने तंग आके इसको बुलवाया और बुलवा के इसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद फिर उस तमाम तरह आलाय कत्ल और बाकी तमाम सबूत लेके यहाँ से अपने घर चला गया। तो उसमें जो लास्ट हमारे पास कॉल थी जिसके साथ रब्ता हुआ था उसका मकतूला के साथ, वहाँ से हमने फिर इसको चलाया और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें ट्रेस होती गई, इसमें फॉरेंसिक लैब भी आई मौके पे, सारा ये सारा एविडेंस जो है वो जमा की गई। तो अब इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं, मुकम्मल सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये चलान हो जाएगा। ये इसमें तमाम तर जो है मेहनत है मेरे SHO की, उसकी टीम की, और प्रॉपर जो हमने गाइडेंस उसको प्रोवाइड कर सकते थे हमने भी किया। जी बिल्कुल, SDPO मिंचनाबाद सैयद अली रजा शाह काजमी साहब का कहना था कि जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल से बड़ी खबर है, 1 करोड़ से जायद रकम का अतिया से 32 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU तैयार कर लिया गया। VC निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद इजाज ने कोरोना ICU का इफ्तिताह किया। ICU दाऊद हरकुलिस ग्रुप के तआवुन से तैयार किया गया। ICU के लिए 12 मिलियन का अतिया दिया गया। तर्जमान निश्तर यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है, जबकि मजीद ये कहना है उनका कि SPO की तकनीकी मुआवनत से 5 हफ्ते में मंसूबा मुकम्मल हुआ है। तर्जमान का कहना है कि ICU को हसैन दाऊद ICU का नाम दिया गया है। वार्ड कोरोना के बाद मेडिकल ICU के तौर पर अवामी खिदमत करेगा। सोने की कीमतों में फी तोला आज फिर 1800 रुपए का इजाफा हो गया। 24 किरात वाला फी तोला सोना 1,17,100 रुपए का हो गया, जबकि 22 किरात वाला फी तोला सोना 1,07,250 रुपए का हो गया। 21 किरात वाला फी तोला सोना 1,02,600 रुपए का हो गया। इसी बारे में मजीद बता रही हैं अलिशबा आसिफ। अलिशबा बताएगा, बिल्कुल सोना जो है हीरा बनता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान ही सोने की कीमत में 2500 रुपए इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं ज्वेलरी की दुकान पे मौजूद हूँ, सोनार मेरे साथ मौजूद हैं। जो 24 के रात का सोना है वो 1,17,000 का है। इसी तरह मुख्तलिफ के रात की मुख्तलिफ जो है कीमतें हैं, इनसे बात कर लेते हैं, मजीद इनके भी मसाइल जान लेते हैं और कीमतें भी जान लेते हैं। जी बताइए। मसाइल ये इतना बढ़ गया, कारोबार तो खत्म हो जाएगा। पहले कितने लोग आते थे, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, लोग शादियां करते हैं, ईद के लिए भी कुछ लोग गिफ्ट वगैरह लेते थे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है? 50% रिडक्शन हो गई है। 50% रिडक्शन हो गई है। ईद के लिए जो छोटी मोटी अंगूठियाँ लेके जाते थे, ऐसा होता है? पास पैसे नहीं कुफ्ते खरीदने, कहाँ से खरीदेंगे? कुफ्ते खरीद खत्म हो गई लोगों की। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सोनार है वो भी परेशान है, शहरी तो परेशान है ही है, क्योंकि तकरीबन पिछले 15 दिनों से हर 24 घंटे के बाद जो है सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, और अब भी 24 घंटे के बाद 2,500 रुपए इजाफा हुआ है कीमत में। 24 के रात का जो सोना है वो 1,17,000 का मिल गया, और इस वक्त दुकान पे कोई भी मुझे कस्टमर नजर नहीं आ रहा। जहाँ आम शहरी परेशान है, वहीं पे सोनार भी परेशान है, उनका यही कहना है। अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुबैना माली बेसाबकियों का मामला कल दोबारा MWMC के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मैनेजर तलब कर लिए गए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर HR मोहम्मद अकील आज पेश हुए। मैनेजर प्रिक्योरमेंट अलीम मैनेजर वर्कशॉप भी एंटी करप्शन में आज पेश हुए। जबकि MWMC ने एंटी करप्शन हुकाम को मुख्तलिफ रिकॉर्ड जमा कराए हैं। तो आपको बता रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुबैना माली बेजाब्तगियों का मामला कल दोबारा MWMC के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स तलब कर लिए गए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर HR मोहम्मद अकील आज पेश हुए। मैनेजर प्रोक्योरमेंट अलीम मैनेजर वर्कशॉप भी एंटी करप्शन में आज पेश हुए।
आपको बताएं, एंटी करप्शन बहावलपुर की कार्रवाई, 95 लाख मालेती सरकारी अराजी कब्जे में माफी से वागुजार करा ली गई। एंटी करप्शन खैरपुर टामेवाली में औकाफ की 11 एकड़ अराजी पर कब्जा था। एंटी करप्शन मुकामी अफराद ने गुजश्ता कई सालों से अराजी पर कब्जा किया हुआ था, ऐसा कहना है एंटी करप्शन का। आपको बता रहे हैं, एंटी करप्शन बहावलपुर की कार्रवाई, 95 लाख मालेती सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। एंटी करप्शन ने कहा कि खैरपुर टामेवाली में औकाफ की 11 एकड़ अराजी कब्जे पर थी। मुकामी अफराद ने गुजश्ता कई सालों से अराजी पर कब्जा किया हुआ था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, एंटी करप्शन बहावलपुर की जानिब से कार्रवाई की गई है, 95 लाख मालियती सरकारी राशि कब्जा माफिया से वागुजार करा ली गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में सेक्रेटरी DRTA रियासत अली की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां, ओवरलोडिंग और कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने किए। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले मुसाफिरों वाली गाड़ियों और ओवरलोडिंग ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सेक्रेटरी DRTA ने न्यू गल्ला मंडी रोड पर शिकंजा तैयार कर लिया। सेक्रेटरी DRTA रियासत अली का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर बसों और दीगर गाड़ियों में मास्क न पहनने और ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। भारी जुर्मानों के साथ साथ आगाही भी दी जा रही है। SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाकर भेजे, उन पे अमल दरामद करा रहे हैं। जो ओवर चार्जिंग किराए में कर रहा है, ओवरलोडिंग कर रहा है, या जिस गाड़ी में CNG LPG सब स्टैंडर्ड सिलेंडर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। अभी मैंने इधर को 10-15 गाड़ियों को फाइन किया है और ये हमारी कैंपेन कंटिन्यू है और रोजाना की बेस पे है। सेक्रेटरी DRTA रियासत अली ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन और कोरोना SOPs पर अमल करना हर शहरी का फर्ज है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान से आपको बताएंगे, जहां पर जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर बनने की खुशी हाजी जावेद अख्तर अंसारी के कैंप ऑफिस में मिठाई तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि अवाम से किया हुआ वादा दफ्तर बनाकर पूरा कर रहे हैं। अवामी मसाइल मौके पर हल होंगे, जबकि मामले खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने में वजीर आला वजीर खारजा का अहम किरदार है, ऐसा कहना है जावेद अख्तर का। उनका मजीद ये कहना है कि मुखालिफिन की सियासत सिर्फ बातें बनाने तक रह गई है। तो आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के दफातर बनाने की खुशी हाजी जावेद अख्तर अंसारी के कैंप ऑफिस में मिठाई तकसीम की गई। आवाम से किया हुआ वादा दफ्तर बनाकर पूरा कर रहे हैं, ऐसा कहना है जावेद अख्तर अंसारी का। मौतल एहलकारों का चोरीशुदा मोटरसाइकिलों की बरामदगी का मामला, चीफ BMP ने एहलकारों में नकद इनाम सर्टिफिकेट तकसीम किया। हमजा सालिक ने मौतल शुदा एहलकारों को फूलों के हार भी पहनाए हैं। तो आपको बता रहे हैं, मौतल एहलकारों का चोरीशुदा मोटरसाइकिलों की बरामदगी का मामला, चीफ BMP ने एहलकारों में नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए हैं। हमजा सालिक ने मौतल शुदा एहलकारों को फूल भी पहनाए। सखी सरवर के गांव बारथी में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल थाने का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट हमजा सालिक ने नए मॉडल थाने का दौरा किया, सहूलियात समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार के आबाई गांव बारथी में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल थाने का तामीराती काम मुकम्मल हो गया। नए मॉडल बारथी थाने में अहलकारों के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट हमजा सालिक ने नए मॉडल थाने का दौरा किया, सहूलियात समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब कबायली फोर्स की सहूलियात की फराहमी में हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। बारथी का सिर्फ मॉडल थाना नहीं है, ये तो एक थाना है जो कम्प्लीट हुआ है और अब हमें हैंड ओवर हो रहा है। इसके 8 थाने जो है ना, हमारे नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिनमें चित्रवटा भी शामिल है, उनमें लाखा भी शामिल है, उनमें जो है ना मजीद भी हमारे हिंगलोन भी शामिल है, 8 ऐसे थाने हैं, तो उनमें सब में जो है ना मुख्तलिफ स्टेजेस पर है काम। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के दीगर नए थानों की तामीर का काम भी तेजी से जारी है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से महदूद वसाइल के बावजूद अमनो अमान के क्याम के लिए तमाम तर तवानाइयां ब्रोए कार लाई जा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।